नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी से है। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित की गई किसान चौपाल। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हनुमान बख्श पासी जगदीशपुर के द्वारा ब्लॉक सुकुल बाजार के ग्राम बरसंडा में किसान बिल के विरोध और किसानों के समर्थन में चौपाल का आयोजन किया गया। उपस्थित किसानों एवं जनमानस के समक्ष विधानसभा अध्यक्ष हनुमान बख्श पासी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अगर तीनों किसान बिल वापस नहीं हुए तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन चलाएगी। उक्त अवसर पर शिवसागर दुबे, भवानी साहू, हनुमान मिश्रा, महादेव मौर्य, कमलेश ओझा, शाहिद अहमद, कुतुबुद्दीन जैनू, इंसाद मिस्त्री के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट। करने का काम किया है, साग सब्जियों में बढ़ोतरी करने का काम किया है। जैसे कि अभी हमारा किसान भाई 50 रुपए किलो आलू लेके खेत में लगाया है, लेकिन अब हमारे माननीय मोदी जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी, भूटान से वही आलू आयात करने का सोच रहे हैं, जब हमारे किसान भाई के खेत में आलू पैदा होने का समय आ गया है। बताइए, हमको विदेश के आलू लेने की क्या जरूरत है? समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी आलू का इतना रेट, प्याज का इतना रेट, तेल का इतना रेट, रिफाइंड का इतना रेट, आप देख लीजिए सरसों का तेल 150 रुपए किलो। हमारा किसान भाई देश को पालने का हक विधाता है। हमारा किसान भाई जिस दिन हाथ खड़ा कर देगा, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आपको जमीन पर ही आके गिरना होगा, जितना उड़ना है उड़ लीजिए। हमारे किसान भाई गांव से लेके क्षेत्र तक, क्षेत्र से लेके देश तक, देश से लेके जवान तक पालने का काम हमारे किसान भाई अन्नदाता के रूप में कर रहे हैं। आज हमारा किसान भाई चाहे दुर्घटना में, चाहे जिस कारण किसान है, अगर उसका आकस्मिक या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए देने का काम हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तो हम आप लोगों से निवेदन यही करना चाहेंगे, 2022 में पुनः आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और हमें 5 साल और काम करने का मौका दीजिए। जैसे इस बार आप लोगों के समझ में नहीं आया हम लोगों को हटा दिए, इस बार भी नहीं समझ में आएगा तो हटा दीजिएगा, नहीं तो उनकी तो ईवीएम जिंदा है, चाहे जहां हैंग कर ले, चाहे जहां स्ट्रांग रूम में जमा कर ले, बदल कर ले। और ऐसा होता आ रहा, मैं इस समाजवादी मेरा कार्यक्रम के माध्यम से और इस किसान चौपाल के माध्यम से आप सभी आए हुए किसान भाइयों को समाजवादी पार्टी की तरफ से, जगदीशपुर विधानसभा संगठन की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अन्य नेता मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अन्य नेता आजम खान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, धन्यवाद, जय हिंद जय समाचार।